हाय एवरीवन, आज हम बना रहे हैं सबकी फेवरेट पाव भाजी। जिन लोगों को सब्जियां नॉर्मल पसंद नहीं होती हैं वो पाव भाजी में अच्छे से खा लेते हैं। मेरे घर में भी कुछ लोगों को सब्जियां नहीं पसंद हैं, तो हम लोग पाव भाजी बनाते रहते हैं, तो इससे सब्जियां भी चली जाती हैं बॉडी में और फ़ायदा ही फ़ायदा है। तो आज हम बना रहे हैं पाव भाजी, और मैंने इसमें बहुत सारी सब्जियां काट ली हैं। कद्दू, गाजर, गोभी, मटर भी ले लिए हैं जो मैंने फ्रोजन करके निकाल के रखी हुई थी, और मैं इसमें थोड़ी सी हरी मिर्च भी साबुत डाल रही हूँ धो के। शिमला मिर्च, गाजर, आलू, मैंने इसमें सब कुछ डाल लिया है। कुछ लोग कद्दू नहीं डालते हैं, मेरे को कद्दू बहुत पसंद है इसमें, तो मैंने कद्दू डाला हुआ है। आप लोग चाहें तो कद्दू हटा सकते हैं, स्किप कर सकते हैं। तो इसमें मैं ये सारी की सारी सब्जियां ले लूंगी। इसमें मटर का छिलका भी चला गया था बाई चांस, तो मैं इसमें अभी डाल रही हूँ 1/3 स्पून ऑफ हल्दी और नमक 2 चम्मच। मैं इसको बॉईल करते इस टाइम पर ही डाल रही हूँ, और मैं अब इसमें पानी डाल दूंगी अच्छे से, जिसमें ये सारा का सारा डिप हो जाए, अच्छे से डूब जाए। इतना ही पानी डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है, क्योंकि बाद में उसको उबालने में सब में दिक्कत होगी। और इसमें थोड़े से खड़े मसाले अच्छे से डाल लूँगी मैं, दालचीनी 4 लौंग और 2 तेज पत्ता। और इसको मैं अब गैस पे रख के बंद करके सीटी लगा लूँगी अच्छे से, 2-3 सीटी लगा के। 2-3 सीटी में सारा पक जाएगा अच्छे से। और अब मैंने अदरक का एक टुकड़ा ले लिया है अच्छा बड़ा सा, और उसमें से जो कच्चा कच्चा पार्ट होता है वो मैं इसमें डाल के कूट लूँगी। और मैं इसे लहसुन के साथ कोट लूँगी। लहसुन की मैंने 6-7 कलियाँ ले ली हैं मोटी मोटी, तो मैं इसे अच्छे से कूट लूँगी, बिल्कुल बारीक बारीक कूटूँगी अच्छे से, क्योंकि मैंने हरी मिर्च उसमें डाल ली है तो मैं इसमें नहीं डालूँगी, इसको मैं ऐसे ही कूटूँगी। और हरी मिर्च उसमें अपना टेस्ट अच्छे से छोड़ देगी, और ये देखो बिल्कुल बारीक बारीक कट गया है। बाकी मुझे जो मसाले भूनने के लिए चाहिए, प्याज चाहिए और टमाटर, तो मैं उसको चॉपर से चॉप कर लूँगी अभी अभी, और ये बहुत जल्दी हो जाता है इससे, तो मैं इसे यूज़ कर लेती हूँ। थोड़ा काम आसान हो जाता है, क्योंकि इस तरफ वीडियो बन रही होती है और कभी कभी दूसरी गैस पे कुछ और भी बन रहा होता है, तो मैं साथ साथ में ही कर लेती हूँ। अभी मैं इसमें केवल 1 चमचे सरसों के तेल में इसको छोंक रही हूँ, तो मैं इसमें जीरा डाल रही हूँ 1 चम्मच के करीब, और मेरी 1 चम्मच वो छोटी सी ही वाली चम्मच है मसाले वाली। और इसमें मैं ये जो मैंने अदरक और लहसुन पीसी थी इसको डाल लूँगी, और अच्छे से इसको भून लूँगी जब तक ये लाल हो जाए। मैंने इसे सरसों के तेल में थोड़ा हेल्दी वे में ही बनाया है, मैंने पहले ही मक्खन में नहीं करा है। और मैं अब इसमें 1/4 टीस्पून हींग भी डाल लूँगी। मैं इसमें मक्खन और जो भी चीज़ बाद में डालनी है, जिसको ऊपर से डालनी है, वो उसके मैं ऊपर से डाल दूंगी, क्योंकि पाव भी भूनते हुए उसमें मक्खन में ही भूनता है, तो वो बहुत फैटी हो जाता है, इसलिए मैं इसे अभी सरसों के तेल में कर रही हूँ। आप ऐसे एक बार बना के देखिएगा, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। ये मत सोचिएगा कि मक्खन में ही बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, बनने के तरीके से आता है टेस्ट। तो मैंने यहाँ पर प्याज डाल के बहुत अच्छे से भुन रही है मेरी प्याज, और मैं अब टमाटर भी थोड़े से चॉप कर लूँगी, 3 टमाटर, और इसको भी मैं चॉपर में ही कर रही हूँ, मेरा थोड़ा काम जल्दी जल्दी निपट जाएगा इसी से। इसको अच्छे से चलाते रहेंगे प्याज को चलाते चलाते मैं अपना बाकी टमाटर भी डाल लूँगी। मेरी प्याज लाल हो गई अच्छे से, और उसी चॉपर में ही थोड़ा सा पानी घुमा के मैंने डाल दिया, क्योंकि वो टमाटर बहुत अच्छे से मैश हो जाएंगे और घुले घुले से रहेंगे, तो जल्दी मेरे मसाले मिक्स हो जाएंगे। तो आप यहाँ पर देखिए, मैंने हल्दी डाली है 1/2 टीस्पून, और मैं अब इसमें धनिया डाल दूंगी। धनिया बहुत अच्छे से डालूंगी 1.5 चम्मच, क्योंकि धनिया अच्छे से भुन जाने के बाद बहुत अच्छा टेस्ट आता है मसाले के साथ। आप लोग मेरी सारी रेसिपी देखिए और अपने व्यूज़ बताया कीजिए, और आप लोग कैसे बनाते हैं या मैं उसमें क्या मॉडिफिकेशन कर सकती हूँ, आप मुझे बताया कीजिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मैं उसको पक्का आपके तरीके से भी बनाने की पूरी कोशिश करूंगी, और वीडियो भी ज़रूर डालूंगी। तो मैंने यहाँ पर अभी सारे मसाले भुन रहे हैं, उसमें मैंने डाला है 1/4 टीस्पून गरम मसाला, और 1/2 चम्मच मैंने थोड़ा सा इसमें खटाई डाली है। वैसे टमाटर अच्छे खट्टे होते हैं, पर मैंने थोड़ा सा डाला है,
और मैं इसमें 1/4 टीस्पून ब्लैक सॉल्ट डाल रही हूँ। ब्लैक सॉल्ट का अपना अलग टेस्ट आता है। और मसाले के हिसाब से मैं इसमें 1/2 टीस्पून नमक डाला है, जो नॉर्मल हमारा नमक होता है। और ये देखिए मेरी सब्जी जो बॉयल हो गई थी, मैं उसको पूरा अच्छे से पीस रही हूँ, इसमें घोट रही हूँ। तो मैं इसको इसी के हेल्प से घोट लूँगी, और ज़्यादा बिल्कुल बारीक नहीं करूँगी, क्योंकि अभी ये थोड़ा सा और इसमें डाल के मसाले के साथ खदकेगी, बॉयल होगी अच्छे से। तो जो खड़े मसाले हैं वो मैं इसमें से निकाल ले रही हूँ। और अब इसमें जो मेरे टमाटर प्याज का मसाला है, इसमें मैंने जो आलू उबाल के रखे हुए हैं, मैंने 4 आलू उबाले हुए थे, और चारों मैंने इसमें डाल दिए हैं बहुत अच्छे से, उनको फोड़ के डाल दिया है। और अब जो मैंने अपनी सब्जियां मिक्स करी थी वो भी मैं इसमें डाल दूंगी, और अच्छे से मिक्स कर लूंगी। इसी के साथ मैं इसमें अब पाव भाजी मसाला डाल लूंगी। तो अभी मैं इसमें केवल 2 टीस्पून पाव भाजी मसाला डाल रही हूँ। टोटल टी टो पूरा 2 टीस्पून मसाला डाला है मैंने, और थोड़ा सा मैंने इसमें इमली का पानी डाला है। मैंने इमली को थोड़ी देर पहले गर्म पानी में डाल के रख दिया था, एक छोटा टुकड़ा, और उसको मैंने इसमें डाल दिया है। और मैं इसको अब जब ये तेज गर्म हो चुका है तो मैं इसको दोबारा घोट रही हूँ। और आपको पाव भाजी को ना 2-3 बार घोटना पड़ेगा, जब तक वो अपना पानी पूरा का पूरा फूकेगी, जो एक्स्ट्रा पानी है, जब तक वो गाढ़ी हो जाए तब तक आपको इसको बार बार फोड़ना पड़ेगा, भूनना पड़ेगा। इसके साथ साथ मैं धनिया भी काट लेती हूँ, क्योंकि मुझे उसके ऊपर गार्निश करना होगा धनिया को अच्छे से। धनिया से बिल्कुल अच्छा अलग सा टेस्ट आ जाता है। तो अभी मैंने इसमें टेस्ट करने के बाद मैंने इसमें दोबारा से 1.5 चम्मच पाव भाजी मसाला और डाला है इसमें। और अभी इसमें मेरे पास मैंने कोई मक्खन नहीं डाला है, कुछ भी नहीं डाला है। तो मैं इसमें जब आप पाव भाजी करेंगे तो मैं उसके साथ मक्खन यूज़ करूँगी। तो देखो मैंने अभी ये जो मक्खन लिया है, मैंने मक्खन लिया ये गार्लिक वाला, जो गार्लिक अमूल का बटर आता है, मैं वो लूँगी। और एक छोटा सा स्लाइस लेके उसमें मैं पाव भाजी मसाला डाल के इसको 25 सेकेंड्स के लिए मैं इसको ओवन में चला दूंगी, जिससे कि पूरा बटर मिक्स हो जाएगा। और अब मैंने पाव ले लिए हैं इसमें, तो मैं इन पाव को काट के, हाफ काट के बीच में से रख लूंगी। इसके साथ साथ मेरी पाव भाजी बिल्कुल तैयार हो रही है, भाजी पूरी बॉयल हो चुकी है अच्छे से। और उसको बीच बीच में चलाना मत भूलिएगा, नहीं तो नीचे लग जाएगी। तो देखिए बिल्कुल बटर जो है ना वो पूरा मेल्ट हो चुका है, और मैं इसमें भी धनिया डाल रही हूँ पूरा का पूरा। तो धनिया तो किसी भी सब्जी में बहुत अच्छे से कलर और फ्रेग्रेंस ला ही देता है। और मेरी पाव भाजी में भाजी बिल्कुल तैयार हो चुकी है, बिल्कुल अच्छे से बॉयल हो चुकी है। मैंने बीच बीच में इसको 2-3 बार और मैश किया है अच्छे से मैशर से, और आप भी इसको बीच बीच में 1-2 बार कीजिएगा। और जब आप सर्व कर रहे हो तो उसके ऊपर से मक्खन डाल के आप थोड़ा थोड़ा दे सकते हैं। देखिए मैं फिर से मैश कर रही हूँ, बहुत अलग सा मतलब चिकनाहट पना इसमें आता रहेगा जितनी बार आप इसको मैश करते रहेंगे। तो अब मैं पाव सेक रही हूँ, और मैंने प्लेट में प्याज व्याज भी गोल काट के रख लिए, थोड़ा सा ऊपर से नमक और नींबू डाल के। और मैं पाव में भी ना ज़्यादा मक्खन नहीं लगा रही हूँ, केवल ब्रश से ही मैंने तवे पे थोड़ा सा लगा लिया है, और ब्रेड के आगे पीछे जो पाव है उनके आगे पीछे थोड़ा थोड़ा करके लगा रही हूँ, जिससे कि बटर ज़्यादा ना लगे। ये थोड़ा सा हेल्दीएस्ट वे ही है, जिससे कि आप सब्जियाँ भी अच्छे से खा सकें। और मैं इसको कभी भी बना लेती हूँ, क्योंकि मैं इसको सरसों के तेल में बनाती हूँ, तो ये अनहेल्दी नहीं रहता है। मैं इसमें ज़्यादा बटर यूज़ नहीं करती हूँ। हाँ कोई आता है तो मैं अलग से उसे प्रॉपर बटर में भून के देती हूँ। तो मैंने अपनी प्लेट में सर्विंग भी शुरू कर दी है, और मैं देखिए पाव भाजी के ऊपर थोड़ा सा बटर डाल के दूंगी, जिससे कि उसका फ्रेग्रेंस भी बहुत अच्छी आती है। और मेरे पाव भी देखो, मैंने पाव बिल्कुल हल्की गैस पे भुने और बहुत अच्छे बन गए हैं। तो आप प्लीज़ ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा।